An academy toppers, which brings you with the best quality and content and the best educators, right, guys? So let's crack it. Good afternoon, guys. Good afternoon. This is your G Square and welcome to the An Academy Topper channel. How are you? I am. I like am.

टॉपर्स बच्चों सॉल्यूशन मिल गए थे टेस्ट के देखो तीन चार क्वेश्चन में गड़बड़ थी वो तो डेली होती बेटा हमारी पहचान हो चुकी है तो अगर आप देखोगेडमीटर के सत्तर, के सत्तर क्वेश्चन भेज दिए थे आज <laughs> तुम लोग नेक्स्ट लेवल के हो ठीक है मैंने काफी जो क्वेश्चन मुझे लगे जो थोड़े आउट ऑफ सिलेबस टाइप थे जो एनसीआर में नहीं थे मैंने उनका आंसर देने की पूरी पूरी कोशिश की थी आई जस्ट होप आप लोग को सहमत होंगे आप उनके साथ

और आज बच्चों में एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर दू अभी उसका लिंक भी मिल जाएगा वन शॉर्ट रिविजन ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी स्पेशल में शुरू होगा आज से ठीक है एंड बच्चों ये हमारे सारे टॉप एजुकेटर्स हैं अंडर द रूफ ऑफ बच्चोंडमी यहाँ पे बच्चों आपको वन ईयर टू ईयर के कोर्सेज हैं ये सारे कोर्सेज इतने अमेजिंग हैं क्योंकि यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर वे में आपको बायो फिजिक्स केमेस्ट्री विद टॉप एजुकेटर्स मिलता है बच्चों ये नहीं, DPPs भी मिलती हैं आपको डाउट सॉल्विंग भी मिलती है क्योंकि अकॉर्डिंग टू अनडमी हर तीसरा जो सेशन होता है वो डाउट सॉल्विंग का होता है ठीक है यस yes, बच्चों तो इस अमेजिंग कोर्सेज को लेने के लिए आपको सबसे पहले अन अकेडमी लर्निंग एप पर जाना है इंस्टॉल पे जाना है फिर प्लस पे जाना है नीट यूजी एंड गेट सब्सक्रिप्शन फिर आप यहाँ पे ट्वेल्व या ट्वेंटी फोर का कोर्स ले सकते हैं अपनी पढ़ाई को आजादी से पढ़ सकते हैं ठीक है यस, yes, बिल्कुल तो बच्चों जी ए नीट रेफरल कोर्ड आप लगाएंगे टेन परसेंट ऑफ आपको मिल जाएगा 12 मंथ का कोर्स थर्टी सिक्स फिफ्टी का ट्वेंटी फोर मंथ का फिफ्टी थाउजेंड फोर हंड्रेड का है ठीक है थीके? उसके बाद बच्चों बेटा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आल्सो यहां पे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको पर्सनल कोचेस मिलते हैं जो आपको हेल्प करते हैं आपके प्रोलॉन्ग प्रॉब्लम्स में जो आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं उन सबको हटाने में यस yes, बिल्कुल तो GNE रेफरल कोड आप लगा सकते हैं 24 मंथ्स का 90 के है 12 मंथ का 58500 है फर्स्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स फ्रॉम फ्रॉम यस कोटा, yes बच्चों, ठीक है तो आज बच्चों अब शुरू करते हैं आज का, यही पढ़ना है ना हमको <laughs> कल मोर्फॉलोजी हमने कर लिया था कल का सेशन बहुत सारे बच्चों ने देखा एंड आई रियली हैप्पी आई एम रियली हैप्पी की दैट हाउ मेनी स्टूडेंट्स यू नो एवरी डे वॉचिंग आर सेशन बिल्कुल तो बच्चो शुरू करें डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच तो बच्चों आज हम चित्र बनाएंगे पाचन तंत्र की बात कर रहे हैं किसके इसके तिलचट्टे की ठीक है हिंदी में कॉकरोच को तिलचट्टा बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को पाचन तंत्र बोलते हैं तो आज हम इसके पाचन तंत्र को पूरा पढ़ने वाले हैं तो आर यू टू मेक डायग्राम डायग्राम बना दे बच्चों बता दो तो बेटा डायग्राम कैसे बनाना है मैं आपको सिखाती हूँ आप डायग्राम यहाँ पे बनाएंगे और कंटेंट उसका सामने लिखेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि वन स्लाइड चैलेंज लेके हम पूरा को पूरा बना ले बेटा देखो डेली समोसा नहीं खा सकते हैं हम महंगा आता है समोसा बेटा दस रुपए का समोसा मिलता है यहाँ पे दिल्ली में महंगा होता है डेली कैसे कैसे खाएंगे बेटा फिर गुजारा होगा ये बताओ मुझे चैट बॉक्स में तो बेटा आज हम साधारण सी चीज खा रहे हैं भूख लग जाती है पढ़ाते, पढ़ाते। अब चलो फटाफट से डायग्राम बनाओ सबके सब तो मैम यहाँ पे डायग्राम बना रही है आपको भी बनाना है साथ के साथ बनाएंगे और साथ के साथ समझेंगे भी ठीक है तो यहाँ पे सबसे पहले तिल चट्टा का सर बनाएंगे यहां पे बनाएंगे थॉरेक्स और ये है उसका एबडोम कल सिखाया था मैं आपने बनाना ये हो गया उसका एबडोम अब हम इसके अंदर का पाचन तंत्र बाहर निकाल के बनाने वाले हैं ठीक है यस तो आ जाओ तो सबसे पहले अगर हम देखें यहां से तो ये उसका माउथ है ये फैरिंग ये ईसोफेगस तो ये क्या हो गया बच्चों माउथ गया और ये हो गया उसका ईसोफेगस ईसोफेगस बिल्कुल हमारी तरह और यहीं पे इसके पास सलाइवरी ग्लैंड्स और सलाइवरी रेजोवॉइड भी होते हैं क्या क्या होते हैं बच्चों सलाइवरी ग्लैंड्स और सलाइवरी रेजोवॉय तो यहां पे अगर हम देखें ओके तो ये हो गए हमारे टू पेयर ऑफ सलाइवरी रेजर सलाइवरी रेजर और वन पेयर क्या होता है बच्चों सलाइवरी ग्लैंड यहां पे बीच बीच माम जो बना रही है वो क्या है वन पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड तो सब बच्चे बनाएंगे अपनी नोटबुक्स में सो दिस इज वन पेयर वन पेयर ऑफ Gland. तो एक पेड़ तो होगा सलाइबरी ग्लैंड का दो पेड़ होंगे के ठीक है तो सबसे पहले माउथ माउथ में आएगा खाना खाना कहां जाएगा फैर फैर से कहा जाएगा ईसो फेगस ईशो फेगस से कहा जाएगा बच्चों ईशो फेगस से जाएगा क्रॉप कहा जाएगा एवरीबडी राइट इन द चैट बॉक्स तो ये आ गया क्रॉप तो ये जो हिस्सा है ये है इसका क्रॉप क्रॉप के बाद खाना कहा जाता है बच्चों गिजर्ड तो यहाँ पे हम बनाने वाले गिजर्ट तो ये हो गया हमारा गिजर्ट गिजर्ट का दूसरा नाम है प्रोवेंट्रिकुलस क्या नाम है बच्चों प्रोवेंट्रिकुलस ठीक है उसके बाद बच्चों यहाँ पे एक वाल्व प्रेजेंट होता है उस वाल्व का नाम क्या होता है कौन बताएगा चैट बॉक्स में दिस वाल्व विच इज प्रेजेंट एंड ऑफ गिजर्ट इज कॉल्डियल्व क्या बोलते Valve. तो गया Valve. उसके यहां से भोजन कहां बोलते हैं मेजेंट्रॉन क्या बोलते हैं उसे बच्चों मेजेंट्रॉन तो ये हमने बना दिया मेजेंट्रॉन ठीक है तो यहां पर हम लिख देते हैं मेजेंट्रॉन मेजेंट्रॉन को ही बोलते हैं मे गट क्या बोलते हैं मेरे बच्चों मिड गट ठीक है अब देखो तो यहाँ पे गिजर्ड और मिड गट के जंक्शन पे क्या प्रेजेंट होता है बच्चों यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं सेवन टू एट ब्लाइंड टिब्यूल्स सेवन टू एट ब्लाइंड टिब्यूल्स और इन ब्लाइंड टिब्यूल्स को हम क्या कहते हैं हिपैटिक सीका और गैस्ट्रिक सीका क्या बोलते हैं हिपैटिक सीका हिपैटिक सीका और गैस्ट्रिक सीका और गैस्ट्रिक सीका आया सबको समझ में ठीक है अब आते बच्चों मेजेंट्रॉन मेजेंट्रॉन के बाद शुरू होगा क्या आपका लास्ट वाला पार्ट गट क्या होगा बच्चों गट और हाइंग गट में जो पहला पार्ट है दिस पार्ट दिस इज कॉल्ड एज कोलोन इलियम And and then then you have rectum. Then we have rectum, rectum, ileum, we finally it is out through anus. तो करो सारे डायग्राम्स अगर डायग्राम्स नहीं बनाओगे तो मोर्फॉलोजी और सारा जितना भी फिजियोलॉजी है उसे पढ़ना बेहद हो जाएगा मुश्किल ठीक है <laughs> ओके okay, यहां पे बच्चों एक सेकंड रुको तो हाँ इसको ठीक कर लो पहले इलियम है फिर कोलोन अब हो गया ठीक बनाया मेड दिस यस केमू बच्चे बना रहे डायग्राम आई एम श्योर अभी बच्चे ना स्लो चल रही है तो मुझे पता लग गया बच्चे डायग्राम बना रहे हैं यस मैम वन पेयर ऑफ सलाइवरी रिजर्व टू पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड

तो अब मैम यहाँ पे इसकी डिटेल्स भी लिखने वाली है यू हैव टू तरीके से मैम नोट्स बना रही है पहले की तारीफ तो कर दो यार। स्मार्ट बोर्ड तो मतलब मजेदार तो है।, है मतलब तो है बिल्कुल तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं वन पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड ग्लैंड का काम क्या होगा सलाइवा बनाना तो यहाँ पे हम लिख देते हैं तो यहाँ पे सलाइवा का सिक्रेशन हो रहा है और आपको पता है सलाइवा किसके साथ मिल जाता है फूड के साथ मिल जाता है जिससे कि इजिली हम सुव कर सके ठीक है उसके बाद बच्चों टू पेयर ऑफ सलाइवरी है reservoir का फंक्शन क्या होगा बच्चों कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सलाइवा ठीक है क्या करेगा ये सलाइवा को कॉन्सेंट्रेट करेगा सो इट विल कॉन्सेंट्रेट सलाइवा क्या करेगा ये सलाइवा को कॉन्सेंट्रेट करेगा उसके बाद आते हैं बच्चों फैरिक्स पेरेंट्स क्या एक लॉन्ग टिब्यूल है विच इज लाइन बाय क्यूटिकल ठीक है लॉन्ग टिब्यूल, लॉन्ग टिब्यूल, लाइन बाय क्यूटिकल लाइन बाय क्यूटिकल वेरी इंपॉर्टेंट नाउ वी हैव ईसो फेगर्स का भी फंक्शन क्या बच्चों इट इज अ अज फॉर फूड एंड इट इज ऑल्सो लाइन बाई क्यूटिकल ऑल्सो लाइन बाय क्यूटिकल अब आप कहेंगे कि मान ये क्यूटिकल से क्यू लाइंड होता है फॉर द प्रोटेक्शन ठीक है यस फॉर द प्रोटेक्शन तो क्यूटिकल का, का काम क्या होगा प्रोटेक्शन देना क्या होगा बच्चों प्रोटेक्शन देना ठीक है फिर आते हैं बच्चों क्रॉप क्रॉप का फंक्शन क्या होता है स्टोरेज ऑफ फूड क्या फंक्शन होता है बच्चों क्रॉप का स्टोरेज ऑफ फूड ठीक है अच्छा पीनू भी यही कह रहे हैं बच्चों एक सेकंड रुको तो यार डायग्राम देख लो बच्चे कह रहे तो यार देख लेना चाहिए एनसीआरटीए आई आई गॉट एन माइट माइट बी बी भाई देख लेना बेटर है गलत पढ़ाने से अच्छा है कि भाई एक बार देख कर पढ़ा दो यस yes. भाई बच्चे भी तो करेक्ट कर सकते हैं मैं तो बहुत हैप्पी होती हूँ जब बच्चे हमें बताते हैं टू पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड है सही कह रहे हैं बच्चे भाई आज बच्चों की पीनू और कल्याणी की तारीफ होनी चाहिए यस yes, तारीफें होनी चाहिए बच्चों की बच्चे इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं क्लास में सो इट इज रियली तारीफ के काबिल तो ये सही कर लो बच्चों एवरीबडी प्लीज करेक्ट दिस एंड आई एम रियली सॉरी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ really कुछ ऐसे रट्टा वाले टॉपिक होते हैं जहां पे हमें भी बहुत रट्टा लगाना पड़ता है तो तो ये हो जाता है यस आई आई एम एम रियली सॉरी बच्चों सेइंग इट सॉरी मैं प्लीज माफ कीजिएगा बट आप इसको प्लीज ठीक कर लीजिए क्योंकि आपका एग्जाम है ठीक है तो यहाँ पे लाइन बाय क्यूटिकल क्यूटिकल का काम क्या होता है प्रोटेक्शन अब आते क्रॉप पे बच्चों क्रॉप का फंक्शन क्या है स्टोरेज ऑफ फूड ठीक है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्टोरेज ऑफ फूड स्टोरेज ऑफ फूड तो यहाँ पे खाना स्टोर भी होता है और साथ के साथ सॉफ्टनिंग ऑफ फूड भी होता है साथ के साथ क्या होता है बच्चों सॉफ्टनिंग ऑफ फूड तो खाना यहाँ पे सॉफ्ट भी होता है और साथ के साथ स्टोर भी होता है ठीक है बच्चों यस अब आते हैं गिजर्ड एंड प्रोवेंट्रिकुलस जी से याद रखना है जी स्क्वायर यानी जी फॉर गिजर्ड जी फॉर ग्राइंडिंग है ना तो इसका फंक्शन क्या होगा बच्चों ग्राइंडिंग ऑफ फूड ग्राइंडिंग ऑफ फूड अब ग्राइंडिंग ऑफ फूड के लिए आपको क्या चाहिए चक्की चाहिए बढ़िया सी और चक्की के लिए यहाँ पे क्या चाहिए बच्चों सिक्स काइटिनस प्लेट्स क्या चाहिए बच्चों सिक्स काइटिनस प्लेट्स तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है बच्चों कि यहाँ पे सिक्स काइटिनस प्लेट्स होनी चाहिए ठीक है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ग्राइंडिंग ऑफ फूड और ग्राइंडिंग ऑफ फूड के लिए हमें चाहिए सिक्स काइटिनस प्लेट्स

रिगर्गिटेशन मतलब खाना ऊपर नहीं जाना चाहिए खाना सिर्फ नीचे आना चाहिए तो ये बार का फंक्शन है कि वो रिगर्गिटेशन को प्रिवेंट करेगा अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों गैस्ट्रिक सीका। सीका गैस्ट्रिक सीके की बात करें बच्चों तो यहाँ पे यस yes, कितने टिब्यूल्स होते बच्चो सिक्स टू एट ब्लाइंड टिब्यूल्स है they release enzymes for digestion they release enzymes for digestion they release enzymes for digestion for digestion ठीक है उसके बाद आते हैं मेसेंट्रॉन एंड मिडगट बच्चों ये वो एरिया जहां पे क्यूटिकल एबसेंट होता है तो सबसे पहली चीज बच्चा पार्टी क्या लिखेंगे यहाँ पे क्यूटिकल इज एबसेंट तो अब आप पूछेंगे कि मैम फिर इसको प्रोटेक्शन कौन देता है आया कि नहीं आया सवाल दिमाग में हमने ये लिखा कि बाकी जगह पे तो बच्चों क्यूटिकल है बट यहाँ पे क्यूटिकल नहीं है तो अब आपका सवाल उठ सकता है कि फिर यहां पे प्रोटेक्शन कौन देगा प्रोटेक्शन दैट इज पेरी ट्रॉफिक कौन देगा बच्चों पेरी ट्रॉफिक मेमब्रेन पेरी ट्रोफिक ये जो लेयर है दिस विल प्रोवाइड प्रोटेक्शन ठीक है उसके बाद बच्चों यहाँ पे मैक्सिमम डाइजेशन भी होगा में ही मैक्सिमम डाइजेशन भी होता है और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन भी होता है तो डाइजेशन भी सबसे ज्यादा और एब्जॉर्प्शन भी सबसे ज्यादा ठीक है फिर आते हैं बच्चों इसके हाइंड गट के पास हाइंड गट में इसके तीन पार्ट्स है इलियम कोलोन रेक्टम और तीनों का ही फंक्शन होता है टू चेक वाटर लॉस टू चेक वाटर लॉस तो यानी कि यहां पे मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा लिखा सबने अब यहां पे एक स्ट्रक्चर और बनाना है हमें क्या बना रही है बच्चों मांगे दीज आर मार फीजेंटिब्यूल्स दीज आर वॉट मार फीजियन टिब्यूल्स मार फीजियन टिब्यूल प्रेजेंट एट दंक्शन मिड गट एंड और यहां पे इसका फंक्शन क्या होता है एक्सक्रीशन ये हंड्रेड से वन फिफ्टी टिब्यूल्स है और फंक्शन है इसका एक्सक्रीशन चलिए लिखिए सब एवरीबडी राइट दिस बोर्ड पूरा भर चुका है बच्चों हमें तो अपने लाइव बच्चों को देखना है ना यस yes. रिकॉर्डिंग वाले बच्चे टू टू एक्स में देख लेंगे तुम आराम से लिखो नोट्स बना लिया अब थम्स अप तो बना दो अगर बना लिया है तो फिर देखो थम्स अप बना लो जैसे कि मैम फिर आगे बढ़े आगे का जरा सारा तुम्हें टॉपिक यस डन नेंसी रजत, आस्था प्रिंस अंकिता सब सबने बना लिया चलो अब हमारे बच्चों ने बना लिया तो यानी कि अब हम आगे की तरफ चल सकते हैं ठीक है आगे की तरफ पूछ कर सकते हैं क्या कहते हैं पूछ कीजिए यस तो यहाँ पे बच्चों एक शॉर्ट नोट्स बता रही हूं मैं पूरा यहाँ पे एलिमेंट्री के ऑफ कॉकरोच ये तीन हिस्सों में बटा हुआ है द फर्स्ट इज कॉल्ड एज फोरग सेकेंड इज कॉल्ड मिड गट एंड दर्ड इज कॉल्ड हाइन गर्ट जैसे कि अभी हमने पढ़ा फोर गर्ट में क्यूटिकल प्रेजेंट होता है क्यूटिकल प्रेजेंट यहां पर क्यूटिकल एबसेंट यहां पर क्यूटिकल प्रेजेंट यहां पर क्यूटिकल प्रेजेंट ठीक है बच्चों फिर उसके बाद थर्ड लाइन द थर्ड डिफ्रेंसिएशन तो यहाँ पे अगर फोरगट में हम देखिए तो बच्चों तो इसमें सिर्फ मिजेंट्रॉन होगा यहाँ पे सिर्फ मिजेंट्रॉन होगा फिर तो यहाँ पे, पे अगर हाई गर्ट की बात करें तो यहां पर बच्चों इट विल स्टार्ट फ्रॉम एलियम एंड टिल एनस चलो ये वाला एक और लिख लो यस ये एक और लिख लो बच्चों इसके बाद अब हम सर्कुलेटरी सिस्टम शुरू करने वाले हैं यस स्टार्ट करें बच्चों नेक्स्ट सिस्टम चलो आ जाओ अब हम नेक्स्ट सिस्टम शुरू कर रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉक्रोच डायग्राम बनाने के लिए मेरे बहादुर सारे तैयार सारे बहादुर तैयार एक और डायग्राम के लिए क्योंकि डायग्राम के बिना तो कॉकरोच पढ़ना बेहद मुश्किल है बच्चों। so, yes, yes, yes. तो चलो, सर्कुलेटरी सिस्टम में ट्रेके सिस्टम कहां से आ गया तुमने तो कॉन्सेप्ट के धज्जे उड़ा दी बिल्कुल यस yes. तो आ जाओ बच्चों तैयार हो तो आओ डायग्राम बनाते प्यारा प्यारा ये उसकी मुंडी ये उसका शरीर देखो लग रहा है ना बिल्कुल जबरदस्त जबरदस्त लग रहा है नहीं लग रहा है यस yes. यस <laughs> yes. चलो ये हमने कुछ कुछ बना दिया बच्चों ना अस मेक द हार्ट दिल की बातें करें बच्चों लेट्स टॉक अबाउट हार्ट ठीक है यस yes. तो यहां पे सबसे पहले पीछे से हम स्टार्ट कर रहे हैं यहां से फर्स्ट चेंबर सेकेंड थर्ड 4th 5th ten, eleven, twelve, thirteen. 7th dot salute okay आपने भी ऐसे ही हार्ड बनाया बच्चों बिल्कुल तो ये बिल्कुल काउंट करके बनाने हैं आपने बच्चों ये काउंट करके बनाने हैं अपनी मर्जी से कुछ मत बना देना ना लाइको ठीक है यस बिल्कुल अपनी मर्जी से कुछ मत बना देना बिल्कुल काउंट करके बनाने आपने ठीक है यस काउंट करो जल्दी से बनाओ तो यहाँ पे अगर हम इज फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टर्टीन 13 चेंबर्स हो गए ठीक है जिसमें से पहले तीन चेंबर थोरैक्स में है बाकी के 10 चेंबर एब्डोमेन में कहां पे मेरे बच्चों एब्डोमेन में तो सबसे पहले तो इस तरीके से बनाओ ये वाली जो वेसल है दिस इज कॉल्ड डोरसल एओर्टा ये डोरसल एओटा है साइनस इज ओपन स्पेसिस साइनस इज ओपन स्पेसिस तो ये हो गया ओपन स्पेसिस ठीक है बच्चों अब आते जरा नेक्स्ट पे यहां पे अब यहां पे आपको बॉडी में कितने ओपन स्पेसेस दिख रहे हैं मैम मैंने कल कॉकरोच देखा ओके वेरी नाइस वेरी नाइस यस अब देखो यहाँ पे वन टू थ्री कितने स्पेसेस दिख रहे हैं मेरे बच्चों बोलो बच्चों बोलो बोलो गे yes, कितने स्पेसेस दिख रहे हैं ठीक है इस वाले स्पेस में नर्व कॉर्ड होती है नीचे वाले स्पेस में नर्व कॉर्ड होती है तो इस साइनस का नाम क्या है पेरी न्यूरल साइनस क्या नाम है साइनस का बच्चों इस साइनस का नाम है पेरी न्यूरल साइनस क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट होती है ठीक है वहीं पे बीच वाले में विसरल ऑर्गन्स होते हैं तो इस साइनस का नाम क्या है पेरी विसरल साइनस इसका नाम है साइनस। फिर अगर हम सबसे टॉप वाले साइनस को देखें, जहां पे हार्ट प्रेजेंट है दिस इज कॉल्ड एज पेरी कार्डियल साइनस पेरी कार्डियल साइनस तो ये तीन साइनसेस यानी कि तीन ओपन स्पेसेस ठीक है अब बच्चों यहाँ पे आपको दो डिवीजन सीख रहे वन डिवीजन एंड सेकंड डिवीजन जो पहले वाला डायफ्राम है ये वाला जो डायफ्राम है दिस इज कॉल्ड डोर्सल डायफ्राम इसे बोलते हैं डोर्सल डायफ्राम जो नीचे वाला डायफ्राम है ये वाला इसे हम बोलते हैं वेंट्रल डायफ्राम इसे बोलते हैं वेंट्रल डायफ्राम और इन डाइफ्रेंस में आपको छेद दिख रहे हैं बोलिए यस और नो छेद दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं बोलो यस 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 <laughs> हाँ बिल्कुल तो यहाँ पे छेद दिख रहे हैं बच्चों एंड दिसद्रा वट यू कॉल दिस छेद बच्चों पेनेस्ट्रा व्हाट वट यू कॉल दस्ट्रा विच आर ओपनिंग्स ठीक है अब आते मसल अब आतेरी मसल तो ये वाला कॉकरोच का डोर्सल साइड है ये वाला कॉकरोच का वेंट्रल साइड है वेंट्रल साइड पे जो काइटिन प्लेट होती है वो मैंने कल कौन सी बताई थी स्टरनाइट, कौन सी बताई थी स्टरनाइट? और जो डोर्सल साइड पे मैंने प्लेट बताई थी वो कौन सी थी बच्चों टर्गाइड तो ये हो जाएगी टर्गाइट ये हो जाएगी टर्गाइड तो ऊपर वाली प्लेट है टर्गाइ नीचे वाली प्लेट है स्टर्नाइट तीन चेंबर्स बने हैं बॉडी में सबसे ऊपर वाले के पास हार्ट है तो पेरिकार्डियल साइनस बीच वाले के पास वाले तो साइनस नीचे के पास नर्व कॉर्ड है तो पेरी न्यूरल साइनस।, तो साइनस दो डायफ्रेम से बॉडी में जिनके पास छेद है छेद को फेनेस्ट्रा कहते हैं ऊपर वाले को हम बोलेंगे डोर्सल डायफ्राम नीचे वाले को बोलेंगे वेंट्रल डायफ्राम ठीक <laughs> है यस बिल्कुल तो इतना समझ में आ गया बच्चों अब एलरी मसल बना दे चलो अब देखो एक गणित लगाते हैं यस yes. अब गणित लगाते हैं गणित क्या कहता है कि एलरी मसल हमेशा दो चेंबर के जंक्शन पे होती है कहा होती है हमेशा दो चेंबर के जंक्शन पे होती है तो यहाँ पे टोटल कितने जंक्शन है मेरे बच्चों यस yes. आपको हमेशा ये याद रखना है कि एलरी मसल हमेशा जंक्शन पे होती है तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जंक्शन कितने तेरह के बीच में बारह ही तो बॉन्ड बनेगी तो एलरी मसल भी कितनी होगी बारह तो यहाँ पे अर्पिता जी अब हमें यहां पे क्या बनानी है एलरी मसल्स बनानी है ट्वेल्व पेर बनानी है ठीक है तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन और ट्वेल्व तो यहां पे ट्वेल्व पेयर ऑफ फैन शेप्ड एलरी मसल्स प्रेजेंट होती है ट्वेल्व पेर फैनशेप एलरी मसल एलरी मसल आया कि नहीं आया डायग्राम समझ में आ गया आप समझा दो डायग्राम काम कैसे करता है Yes, बच्चों अभी समझा दो डायग्राम काम कैसे करता है ये भी तो जरूरी है अभी तो हमने सिर्फ डायग्राम चित्र बनाया बच्चों अभी समझाना तो बाकी है यार यस यस अभी तो समझाना बाकी है डायग्राम बन गया बेटा अब क्लासेस ऐसे ही चलेगी खाते पीते चलेगी खाने पीने का टाइम नहीं है आजकल तो क्लासेस में ये सब चलेगा तो तुम्हारी पढ़ाई पे कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए इससे जैसे चलिए ऐसे चलेगा बेटा पढ़ाई अब ठीक है सहलो अब मैम को अब यहां पे आ जाओ मैं कुछ कुछ पॉइंट्स बता रही हूं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है डायरेक्ट एनसीआर से ठीक है yes. यस आ जाओ पहला ये आर्थ्रोपोडा है बिल्कुल है तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम या क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जल्दी से आंसर मारो चैट बॉक्स पे यस yes. जल्दी से बताओ जल्दी जल्दी एवरीबडी यहाँ पे सबसे पहले सवाल किया आर्थ्रोपोडा में बिलोंग करता मैंने बताया था कि आर्थ्रोपोडा में कैसे टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ओपन होता है, सही बात है, तुम ने. सर्कुलेटरी सिस्टम. हार्ट है हार्ट किस साइड प्रेजेंट है हार्ट किस साइड प्रेजेंट है डॉर्सल या वेंट्रल किस साइड प्रेजेंट है हार्ट डोरसल वेंट्रल जल्दी देखो यार बताओ ना यहाँ पे देखो और बताओ आंसर बताओ हार्ट इज ऑन डॉस साइड ऑफ बॉडी चें थर्टीन चेंबर्स है और माओजेनिक है या न्यूरोजेनिकल सवाल, सवाल है मायोजेनिक है या न्यूरोजेनिक है जैसा तुम्हारा होता है वैसा तो यह है नहीं तो तुम्हारा मायोजेनिक होता है तो इसका क्या है न्यूरोजेनिक हार्ट इसका क्या है बच्चो न्यूरोजेनिक हार्ट न्यूरोजेनिक हार्ट का मतलब क्या है द एंटायर सर्कुलेटरी सिस्टम इज डिपेंडेंट ऑन नर्वस सिस्टम यानी अगर दिमाग कहेगा धड़क तो ये कहेगा धड़कूंगा ठीक है अगर दिमाग कहेगा रुक जा तो रुक जाएगा बिल्कुल सही बात है बट हमारे केस में क्या बच्चों हमारे केस में है भाई दिल तो किसी की सुनता ही नहीं दिल तो आ जाता है है ना यस बिल्कुल तो ये न्यूरोजेनिक हार्ट है जहां पे नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स बीटिंग ऑफ हार्ट बीटिंग ऑफ हार्ट ये हो गया इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ठीक है अब बच्चों इसको समझना है हमें कि कैसे कैसे काम कर रहा है तो आइए सब चलिए हाथ निकालिए बाहर, आइए हाथ अब इमेजिन करना है हमको क्या करना है बच्चों इमेजिन करना है तो अभी तो मैं इमेजिन करना सिखा रही हूं ये है टर्गाइट, ये है टर्गाइट ये है डायफ्राम। इन दोनों के बीच का रिश्ता क्या कहलाता है बच्चों इन दोनों के बीच का रिश्ता कहलाता है आलरी मसल दोनों के बीच का रिश्ता क्या कहलाता है आलरी मसल क्योंकि आलरी मसल टर्गाइट और डॉर्सल डायफ्राम को कनेक्ट कर रहा था और ये ट्राइंगुलर शेप्ड होती है ये हमने देख लिया ठीक है अब देखो बच्चों समझाते हैं तो मैं एप्लीकेशन कैसे काम करता बहुत मजा आने वाला है बहुत मजा आएगा चलो अब मेरे साथ सब इमेजिनस करेंगे ठीक है एवरीबॉडी इमेजिनस तो यहाँ पे अगर आप देखे ये आपका टर्गाइट है ये आपका डोरसल डायफ्राम है ठीक है जब मसल की कॉन्ट्रैक्ट तो ये ऐसे हो गया देखो 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 वापस 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 ठीक है यस ये टर्गाइट है ये ऐसे डोम शेप्ड गुंबद आकार का क्या है डोर्सल डायफ्राम है ठीक है अभी बच्चों जब मसल की कॉन्ट्रैक्ट तो ये फ्लैट हो गया देख लो ये फ्लैट हो गया जैसे ही फ्लैट एंड होता तो वॉल्यूम बढ़ेगी या घटेगी टेल मी इन द चैट बॉक्स तो वॉल्यूम बढ़ेगी या घटेगी जल्दी बताओ वॉल्यूम बढ़ेगी या घटेगी तो अब यहां पे जब एलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तब उस टाइम पे ये टर्गाइट है ये डोर्सल डायफ्राम है तो इस टाइम पे वॉल्यूम बढ़ी प्रेशर घटा तो जब वॉल्यूम बढ़ती है प्रेशर घटता है तो ब्लड अंदर आएगा या बाहर जाएगा बच्चों? बताओ। जा, अब इस सिचुएशन में ब्लड अंदर आएगा या बाहर जाएगा ऑफ कोर्स अंदर आएगा ना क्योंकि वॉल्यूम बढ़ाएंगे तुमने तो जब आल मसल अब वापस इस वाले डायग्राम पे चलते हैं अब इधर देखो जब एलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो पेरिकार्डियल साइनस का वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर घटेगा तो ब्लड पेरीन्यूरल से पेरीविसरल में जाएगा पेरीविसरल से ब्लड पेरिकार्डियल में जाएगा और पेरिकार्डियल से ब्लड कहां जाएगा हार्ट में जाएगा कहां जाएगा बच्चों हार्ट में जाएगा ठीक है अब हार्ट में जैसे ही ब्लड जाएगा तो वो पंप करते 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 आगे तक आएगा ठीक है आया कि नहीं आया समझ में टेल मी इन द चैट बॉक्स एक बार वापस बता दो जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में यस <coughs> yes. बताओ 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 अब देखो ध्यान से वापस से सुनते एक बार बच्चों आई थिंक अभी आप रिलेट नहीं कर पाए वापस से एक बार सुनते कोई टेंशन की बात नहीं है देखो अभी इधर सबसे पहले एलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट की जैसे एलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है बच्चों इस पेरिकार्डियल साइनस का वॉल्यूम बढ़ता है ठीक है और प्रेशर घटता है जैसे वॉल्यूम बढ़ता है तो ब्लड की एंट्री शुरू हो जाती है तो ब्लड पेरी से पेरीविसरल पेरीविसरल से पेरी कार्डियल अब ये ब्लड जब इसमें जाएगा तो वो हार्ट के अंदर जाएगा अभी हार्ट यहां पे ब्लड को आगे पंप करता जाएगा करता जा रहा है और ये तक पहुंचेगा जब यहाँ पे ब्लड पहुंचेगा तो यहाँ पे जाएगा जाएगा। यहां यहां जाएगा। फिर फिर से करेगी। के अंदर जाएगा। so, this is how the... okay. Okay, बच्चों, चली गई। रुको रुको रुको। मैं अभी भी जिंदा हूं बच्चों लाइट चली गई। थोड़ा ऐसा भूतिया इफेक्ट हो गया कोई नहीं बच्चों ऐसे माई क्लास में होते रहते है बट रुको नेचुरल लाइट में पढ़ेंगे आज नेचुरल लाइट में पढ़ेंगे यार देखो मैम दिख रही है ना देखो कुछ भी हो क्लास नहीं रुकनी चाहिए आगे आगे लाइट भी आगे रुको बंद करके आती हूँ गेट यस आगे लाइट आ गई बच्चों चलो कम से कम सेटअप तो बंद नहीं हुआ यस मैम सुंदर लग रहे थे बेटे कितने नालायक हो ना तुम लोग तुम लोग को पता मेरे सेशन में बच्चों मसाला कैसे मिल जाता है इतना सब मैं कितना भी सीरियस पढ़ा लू कुछ भी पढ़ा लू बट होना पता नहीं बेटा कौन से भगवान की कृपा है मुझ पर ना चाहते भी शगुन मेरी क्लास में सबसे ज़्यादा ही आई कैंट डू एनी थिंग बच्चो आई कैंट डू एनी थिंग सॉरी तो बेटा ये पूरा इसका फॉर्मेट इसका मैकेनिज्म मैं लिख रही हूँ अब यहाँ पे आई एम राइटिंग द मैकेनिज्म मेरे साथ लिखेंगे ठीक है आ जाओ मैकेनिज्म तो सबसे पहले जब हम मैकेनिज्म लिखेंगे तो बच्चों सबसे पहले सबसे तो पहले क्या होगा बच्चों एलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट एलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट तो एलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट की तो उससे जो पेरिकार्डियल साइनस था ठीक है उसका क्या होगा वॉल्यूम बढ़ेगा और प्रेशर घटेगा ठीक है यस बिल्कुल तो यहां पे वॉल्यूम इंक्रीजेस ऑफ पेरी कार्डियल साइनस पेरी कार्डियल साइनस ठीक है जैसे वॉल्यूम इंक्रीज होती है नाउ द ब्लड फ्लोज फ्रॉम ठीक है ब्लड फ्लोज फ्रॉम पेरी न्यूरल साइनस टू पेरी visceral sinus from perivisceral sinus to pericardial sinus now once the blood reaches to pericardial sinus but now the blood enters into heart through openings through openings कॉल ऑस्टिया थ्रू ओपनिंग ऑस्टिया लिख लो जरा येबडी राइट एट तो ये बच्चों पूरा फ्लो चार्ट है कैसे पूरा ब्लड फ्लो कर रहा है ठीक है राइट इट देख लियो आप ब्लैक कलर चमक रहा था राइटिंग अच्छी आ रही थी क्या बात है क्या बात है चलो चलो अब नेक्स्ट चलते बच्चों अब हम इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम देखेंगे देखेंगे आप क्या देखेंगे बच्चों हम थर्ड सिस्टम देखने वाले आज दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम तो फिर से बच्चा पार्टी डायग्राम बनाने के लिए तैयार लेट्स किल अनदर डायग्राम ठीक है ये बिल्कुल लेट्स किल अनदर डायग्राम तो आ जाओ बच्चों मैम यहाँ पे एक, एक करके डायग्राम बना रही है अभी फुलस के साथ डायग्राम बनाइए दिस इज वन टू वन टू थ्री वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन बना लिया सबने डायग्राम बना लिया बच्चों यस बिल्कुल अब आते हैं जरा इसके स्पारिकल्स की तो बेटा जो ओपनिंग होती है ट्रेकिया की दैट यू कॉल एस व्हाट बच्चों स्पारिकल्स ठीक है यस बिल्कुल यस ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया और ट्रेकियल ट्यूब्स इस कॉल एज स्पारिकल और स्पाइरकल सब बना लेते बच्चों कितनी कितनी है चलो आ जाओ यहां पर फर्स्ट सेकेंड थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट बनाया सबने टोटल टेन पेर बताए ना मैं टोटल ट्वेंटी हो गए तो थॉरेक्स में टू पेर है थॉरेक्स में टू पैर है और एब्डोमेन में एट पैर है एब्डोमेन में कितना बच्चों एट पैर